हमने कई तरह के टैक्सेस का नाम अपने जीवन में जरूर सुना होगा, जैसे इनकम टैक्स, रोड टैक्स, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स आदि। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जैसे दवाई है, मेडिकल बिल्स हैं, हॉस्पिटल प्रॉपर्टी है, सबका टैक्स हमको सरकार को पे करना पड़ता है, जिससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है। लेकिन पूरी दुनिया में कुछ ऐसे हैरत अंगेज टैक्सेस नजर में आए जिन्हें सुनकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। इसे देखने के लिए आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। पहले आप जल्दी से इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, वरना बाद में भूल जाएंगे। दोस्तों, इसे मनोबल बढ़ता है आगे के वीडियोस बनाने का। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। 1705 में रशिया के राजा पीटर द ग्रेट ने दाढ़ी पर टैक्स लगा दिया। सोचिए, अगर यहाँ ये सनक सवार हुई होती तो यहाँ के लोगों का क्या होता। 1696 में इंग्लैंड में खिड़की खोलने या बनवाने पर टैक्स था, जिसे 1851 में बैन किया गया। 1885 में कनाडा में चाइनीज हेड टैक्स था, जिसका साफ साफ मतलब था कि वह यहाँ आ ना सके, माइग्रेट ना कर सके। इंग्लैंड का चिमनी बनवाने पर टैक्स था, जिसे 1689 में हटा दिया गया। यूरोप में साबुन पर टैक्स था, जिसे 1835 में बैन कर दिया गया। लेकिन 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 जो आज तक का पूरी दुनिया को शर्मसार कर देने वाला टैक्स था, वो था ब्रेस्ट टैक्स, स्तन कर, मूलाकरम। बोलते हुए भी जीभ शर्मिंदा हो रही, आंखें झुकी जा रही हैं। टैक्स लगाने वालों की हवसपूर्ण घटिया सोच पर घृणा आ रही है। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, 19वीं शताब्दी की है, वह समय जहां और देशों में बचकाने टैक्स हटाए जा रहे थे, हमारे गर्वीले भारत में जहां महिलाओं को सिर्फ भोग की वस्तु समझा जाता रहा है, उसके एक साम्राज्य में तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने अपनी आंखों की हवस को, जातिवादी मानसिकता को पूरा करने के लिए धर्म और सत्ता के नशे में चूर होकर तथाकथित नीची जाति की महिलाओं को स्तन न ढकने का फरमान दिया, और ये टैक्स ब्रेस्ट के साइज के हिसाब से लिया जाता था। आप इमेजिन करके देखिए कि कोई आपके साथ, आपकी माँ, बहन, बेटी, पत्नी को शरीर ना ढकने दे तो आप पर क्या बीतेगी। यह विवरण एक पुस्तक नेटिव लाइफ इन ट्रेवनकोर सैमुअल मतीर द्वारा लिखित में उल्लेखित है। कपड़े अक्सर उच्च जाति का प्रतीक माने जाते थे। यह वह कालखंड था जिसमें केरल में जातिवाद चरम सीमा पर था। इस किताब के अनुसार 110 ऐसे अतिरिक्त कर थे जो नीची जाति पर लगाए गए थे, ताकि उनकी गरीबी का चक्र कभी खत्म ना हो सके। ब्राह्मण्स और नायर महिलाओं पर यह पाबंदी नहीं थी, परंतु नायर महिलाओं को भी ब्राह्मणों के सामने या मंदिर प्रवेश के समय स्तनों को खुला रखना अनिवार्य था, ताकि ब्राह्मणों की उच्चता का पोषण होता रहे। ये वही समय था जब केरल में रोमन कैथोलिक और सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी का उदय हो रहा था। अपमान से बचने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए, अपना तन ढकने के लिए बहुत से लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, परंतु तब भी उनके ब्लाउज, जिसे कुपायन भी कहते हैं, उसके पहनने का तरीका उच्च जाति की महिलाओं से भिन्न रखा गया, ताकि दूर से पहचान हो सके जातियों की। ऐसे समय में हिंसक भिड़ंत हुई है जातियों की उसके विरोध में, ट्रेवनकोर में, जो चन्नार रिवोल्ट के नाम से प्रसिद्ध है। घर और चर्च जला दिए गए, महिलाओं को सरेआम नग्न कर दिया गया, जो कि पुरुष सत्तात्मक दिमाग के लिए एक सुविधाजनक हथियार है हमेशा से। रिलीजन एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया पुस्तक में इसका विवरण दिया गया है। मद्रास प्रेसिडेंसी के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर के हस्तक्षेप से 1859 में महाराजा उत्तरम तिरुमल ने और 1865 में पुनः महाराजा ऐलम तिरुनल ने इस स्तन कर मूलाकरम पर पाबंदी लगाई। इतिहासकार जॉय बालान विलातनागरा ने अपनी पुस्तक वेंकुटा स्वामीयम समूहिका नवोनुतनम में लिखते हैं कि मारू मरक्कल समरम
केरल का पहला नारी मुक्ति आंदोलन था, जिसमें वर्क विदाउट पे यानी कि बेगारी प्रथा से मना करना था, उसका विरोध करना था। पब्लिक रोड पर चलने का समान अधिकार चाहिए था, मंदिरों में प्रवेश का अधिकार शामिल था। इन्हीं सब विद्रोह में एक महिला नांगेली की कहानी भी आती है। 1803 की घटना कही जाती है, जब उसने अपना तन ढकने के अधिकार को मानते हुए इस कर का विद्रोह किया। कहते हैं जब राजा के अधिकारियों को इसका पता चला तो वे उसके घर पर आ गए। तब वीरांगना नांगेली ने उन्हें अपना स्तन ही काटकर केले के पत्ते पर लाकर दे दिया, जिसके बाद अधिक खून आने से उसकी मृत्यु हो गई। प्रचलित है उसके पति चिरुकंदन ने उसकी जलती चिता में कूदकर खुद भी जान दे दी। उस जगह का नाम मुलाची परम्बू, लैंड ऑफ ब्रेस्टेड वुमेन ही पड़ गया है। ना जाने किस कुत्सित दिमाग की कुटिल और व्यभिचारी चाल होगी, जिसका साथ धर्म और उसके भगवान ने भी दिया। उच्च जाति की महिलाओं ने भी इसे नैतिक माना और गर्व किया, इसका विरोध कभी नहीं किया, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारी संस्कृति में यह सबसे शर्मनाक प्रथा थी। आज कई ऐसे बेशरम और धूर्त लोग हैं जो इसे कल्पना या प्रोपेगेंडा कहते हैं। अरे ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपने अतीत की सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है, स्वीकारने की शर्म नहीं है? घृणित प्रथा थोपी थी तो इसकी माफी मांगने की बजाय इसे एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। कहते हैं कि 100 बार झूठ बोलो तो वह सच लगने लगता है। शायद इसी भ्रम में हैं ये लोग। परंतु अब डिजिटल युग है, तुम्हारा ये कुकृत तुम्हारी छाती पर मूंग दलेगा, तुम्हें सपनों में भी चैन से बैठने नहीं देगा। इसी शर्म को छुपाने के लिए, इस पर पर्दा डालने के लिए 18 मार्च 2019 को NCERT ने CBSE को नोटिस देकर क्लास 9th के सोशल स्टडीज के चैप्टर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड ड्रेस चेंज में से इस टॉपिक को सिलेबस से यह कहकर हटवा दिया कि इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इतिहास से तथाकथित ऊंची जाति अपनी नजरें नहीं मिला पाती, इसीलिए छुपाती है इन सबको। तो यह थी कहानी उस अमानवीय इतिहास की। आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करती हूँ। कुछ छूट गया हो तो आप उसे कमेंट करके याद दिला सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि हमारे बीच का यह संबंध बना रहे। धन्यवाद। अपना ध्यान रखना।